किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन्होंने अमरूद लगा रखे हैं और उसके पौधे दो वर्ष या दो वर्ष से बड़े हैं और वो सर्दी की फसल लेना चाहते हैं, तो वो इस समय अपने बाग में क्या कार्य करें। मैं ये भी दिखाऊंगा कि जो मेरे दो वर्ष के पौधे हो गए हैं, लगभग होने वाले हैं दो महीने बाद, मैं उनसे सर्दी की फसल लूँगा और मैं किस प्रकार कार्य करा रहा हूँ, और मैं ये भी दिखाऊँगा कि मैंने कितने प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं, मतलब कई दूरी पर मैंने पौधे लगाए हुए हैं। मेरा एक शौक है और मैं हर चीज़ को प्रैक्टिकल कर कर देखना चाहता हूँ और तभी किसानों के साथ साझा करता हूँ। इस वीडियो में मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें हमारे गुरु जो अमरूद के बारे में बताते हैं जैन साहब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मेरी इसमें कोई विशेषता नहीं थी और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैं धन्यवाद करता हूँ जैन साहब का। थोड़ी मेरे अंदर जिज्ञासु स्वभाव है, शुरू से ही वैज्ञानिक होने की वजह से जिज्ञासु स्वभाव है, तो मैं पढ़ता भी बहुत हूँ। तो आइए मैं अपने बाग में घुमाता हूँ आपको, चलिए देखते हैं और घूमते हैं बाग में। किसान भाइयों, ये है बरसात का कमाल। ये मैंने कुछ लाइन जो मेरी हाई डेंसिटी की हैं 8x5 पर, ये देखिए आप, ये देखिए कि इस प्रकार ये घास जो है ये मैंने कटवा दिया है और इस प्रकार यहीं पर छुड़वा दिया है। ये मल्चिंग का काम करेगा बीच में। और ये देखिए, ये हमारे कार्यकर्ता हैं जो इस प्रकार घास को काट रहे हैं। वैसे तो मैं दवाई का भी प्रयोग कर सकता था, पर मैं जहाँ तक हो सकता है केमिकल का प्रयोग नहीं करता। और ये दो तीन दिन का काम है। ये देखिए कितना घास है, ये सब मंडूसी थी, कुछ तो घास वाले काट ले गए। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा है, तो अनावश्यक रूप से इसको हम साफ़ कराएंगे। ये अगर हम इस पर दवाई छिड़कवा कर ग्लाइसोफेट आदि से ख़त्म कराते तो घास जल जाता, और अब इसका कार्बन की मात्रा मिलेगी खेत में और ये हमारा मल्चिंग का भी कार्य करेगा। ये देखिए, अब आप देखिए ये हमारा घास कटने के बाद में, ये देखिए ये कटा हुआ घास पड़ा है जो सूख रहा है दोनों तरफ। और घास कटने के बाद में ये हाई डेंसिटी की लाइन है, आप देख लीजिए इसको, ये 5 फीट पर है और ये मैंने इनको बीच वाली लाइन निकाल कर ये 15-15 फुट पर रीप्लांटेशन किया है। ये पेड़ है तो इस प्रकार ये घास कटाने के बाद इस तरह से बन गया है। ये देखिए पूरा इसी प्रकार आप पूरे खेत में देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सभी लाइनें बिल्कुल साफ चमक रही हैं। जो बड़ा बड़ा घास था 2-2.5 फीट का, ये देखिए पूरा आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब मेरे ये पौधे जो हैं, ये वाले पौधे ये देखिए, ये 22 जून को 2 वर्ष के हो जाएंगे ये पौधे जो मैंने 8x5 पर लगाए थे। किसान भाइयों, इनमें से जैसे ये पौधा बीच में लगा हुआ है, कुछ पौधे ख़राब हो गए थे और ये देखिए कितने अच्छे पौधे हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि हम इनमें क्या कार्य कर रहे हैं। तो पहला कार्य, ये मैंने घास कटवाया यहीं डलवा दिया, और ये जो मेरे 2 वर्ष के पौधे हैं इनमें मैं सर्दियों की फसल लूँगा। तो आप ये देखिए कि अब इनमें क्या कार्य होने हैं। जो भाई जिनके भी पौधे अगर 2 वर्ष या उससे बड़े हैं तो वे अपने खेतों में ये कार्य इस समय कर ले। ये देखिए इनमें अब मैं पानी नहीं दूंगा और आप देखेंगे इनके पास में कोई ड्रिप लाइन नहीं है। दोनों ड्रिप लाइन मैंने इन पौधों में डलवा दी जो छोटे हैं,
जो अभी केवल 8 माह के हैं, जो मैंने रीप्लांटेशन किए हैं, और देखिए इनमें नहीं है। आइए मैं दिखाता हूँ मैं क्या कार्य करवा रहा हूँ। ये घास काटने के बाद में आप ये देखिए, ये जो है ये पौधा जो रीप्लांटेशन किया है हमने, देखिए इसके चारों तरफ मैंने इस तरह से करा दिया। ये जड़ पकड़ चुका है और मैंने बताया था कि कटिंग करा दी थी मैंने, और ये देखिए इसके चारों तरफ लगभग 6 इंच मैंने इस प्रकार छेड़ा है, और ये डंडी से 2 जगह बंधा हुआ है। ये डंडी से बांधने का आप तरीका देख लीजिए, ये 8 के आकार में है, 1 यहाँ पे है, और अगर बड़ा पौधा होता है, देखिए कितनी फुटान चल रही है इसमें, पत्ते तोड़ दिए थे, अभी आपको देखना 1-2 माह बाद कितना अच्छा हुआ। तो इसी प्रकार ये पौधा है, 15 फीट पर दूसरा पौधा है, कटिंग मैंने पहले कर दी थी, आज मैं इस प्रकार इनकी सफाई के लिए बताया है। कल छुट्टी रहेगी क्योंकि जनता कर्फ्यू है कल, और मैंने अपने वर्कर्स को कहा है कि आपको 1 दिन का वेतन घर पर मिलेगा अगर आप 7 बजे से 9 बजे तक घर पर रहेंगे। ये देखिए ये इस प्रकार मैंने इसे सफाई करवा रहा हूँ। अब आइए हाई डेंसिटी की लाइन देखते हैं। चूँकि इन पौधों को ताव देना है, आप देखिए इनमें कल्ले निकल गए, और अगर इनमें फूल आते हैं तो उनका भी प्रबंधन करेंगे मैं बताऊँगा, तो इस प्रकार ये इतनी सफाई मैं करवा रहा हूँ। जड़ों में थोड़ी मिट्टी, और आसपास जहाँ तक इसकी कैनोपी है, आप इसे ध्यान से देखिए, जहाँ तक कैनोपी है वहाँ तक ये मैं इसकी साफ़ सफाई करवा रहा हूँ, और इनमें अब पूरे अप्रैल तक पानी नहीं दूंगा। एक अमरूद भी आया हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा अमरूद है, ये करीब 150 ग्राम का अमरूद होगा। तो इनमें मैं ये कार्य कराऊंगा, और मैंने आज बताया है इनको कि किस प्रकार इनकी सफाई करनी है, क्योंकि सोमवार को मैं नहीं आऊँगा और ये जो मेरे वर्कर हैं ये कार्य करेंगे। ये तो हुआ आपको मेरा ये कार्य। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई सर्दी की फसल लेना चाहते हैं और जिनके पौधे 2 वर्ष या उससे बड़े हैं, तो वे अपने पौधों में ये कार्य अवश्य कराएं। इस टाइम साफ़ सफाई करके और उसकी जहाँ तक कैनोपी है थोड़ी थोड़ी निराई करा दें, ज़्यादा गहरी मत कराएं, अभी थोड़ी थोड़ी निराई कर दें, और पानी बिल्कुल बंद कर दें। आप देखेंगे इसमें कोई ड्रिप लाइन नहीं है, दोनों इसकी ड्रिप लाइन मैंने इन पौधों में लगा दी है। तो इस प्रकार ये कार्य करें, और आप देखेंगे कि ये जो घास है जब दोनों तरफ से साफ़ हो जाएगा इसको मैं निकलवा दूंगा, इसको मैं इसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल छिड़कवाऊंगा, जो पत्तियों वाला घोल है वो जाऊंगा, और ये घास जो है ना खाद में तब्दील हो जाएगा, इसका मुझे कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि गर्मियों में घास वैसे ही ख़त्म हो जाता है, जब पानी नहीं मिलेगा तो घास ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार आप सर्दी की फसल लेने के लिए अपने पौधों में ये प्रबंधन करें। किसान भाइयों, एक मेरा ताइवान पिंक जो पौधा है, ये देखिए ये पौधे हैं जो मैंने ट्रांसप्लांट कराए हैं, यानी उनको एक जगह से उठाकर दूसरे, उनमें भी मैंने आज ये कार्य करा दिया, ये देखिए इस प्रकार, और इनमें अब काफ़ी फूट चल रही है, देखिए नई नई पत्तियां आ रही हैं, और अब 1 माह बाद बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये 3 लाइन है, ये मेरा थाई 1 kg है जो जयश्री नर्सरी से आया था, ये पूरी लाइन उसकी है, इसमें 18 पेड़ हैं और 18 इसमें हैं, ये थोड़े ज़्यादा हैं जो उसके हैं ताइवान पिंक के, ये 2 लाइन ताइवान पिंक की हैं और एक ये है, ये 10x8 पे, यानी लाइन से लाइन की दूरी 8 है और पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट पे मैंने रखा है। तो मेरे बाग में 3 तरह की प्लांटेशन है, 10x8 की है, 10x8 की है, और 15x16 की हो जाएगी, और 1 8x5 की है। तो इन तीनों में कौन अच्छी है कौन खराब है वो मैं बताऊंगा। इन दोनों लाइन के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन देखिए, नहीं कल उड़द बोए थे हमने इसमें शाम को, इस प्रकार ये दो जो 3 लाइन है इनके बीच में 2 जगह है, तो ये देखिए इसमें हमने उड़द बोए हैं। एक ये लाइन थी यहाँ पर, मेरा आप
जो मेरा लेमन था वो मैंने कटवा दिया, क्योंकि उस पर बड़ा लेमन आता था जिसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, तो वो मैंने इसमें यहाँ पर मैं नींबू लगाऊंगा बाद में जब जुलाई में आएंगे, तो मैंने अभी उड़द बुआए हैं इसमें। एक और चीज़ जो मुझे अनिल यादव जी ने भेजी है, ये देखिए, ये पौधा, ये सेब का पौधा है। उन्होंने मेरे को 10-12 पौधे भेजे थे और सभी पौधे, एक ये है, एक ये है, इनको मैं कल बंद रहेगा परसों ये सब साफ सफाई यहाँ पे हो जाएगी, इनको कराकर मैं अच्छे पौधे चलेंगे, इनको ठीक करा लूँगा। ये मेरी जो तारबाड़ी है, जो तारबाड़ी के पास में है, ये देखें नींबू कितने बड़े हो गए, ये 1.5 वर्ष के हैं और बहुत घने हो गए, इनकी मैंने कटिंग कराई है। ये देखिए जो इनकी हैज बनवाई है, आप देखें दूर तक कितने साफ लग रहे हैं, कितनी अच्छी हैज है। ये लगभग 5 फीट की हैज हो चुकी है, लगभग 5 फीट की हैज है ये, देखिए और कितने अच्छे हो रहे हैं। एक जगह और दिखाता हूँ मैं अपने ट्यूबवेल के सामने, ये देखिए, ये चिर परिचित जगह है, ये देखिए कितने अच्छे, तो साइड से कट गए। अब ये इतनी फुटान है इनमें कि थोड़े दिन में बहुत ही घने हो जाएंगे, ये देखिए। तो इस प्रकार ये मेरा बाग है पूरा, इसमें आपको मैं पूरा बाग दिखाता हूँ अब, ये देखिए। कितने अच्छे पौधे, माय लवली कार। और ये देखिए इसमें देखिए घास कितना कटा हुआ है, कितना सुव्यवस्थित। इसमें भी मैंने उड़द बोआ दिया है, यहाँ पर आपको एक लाइन थी मेरी लेमन की, वो कटवा दी मैंने, अब उसमें देखूँगा मैं क्या लगाऊँगा। और ये मेरे नींबू के पेड़ हैं जो मैंने उस दिन भी दिखाए थे आपको, ये देखिए। किसान साथियों, अभी आपने मेरे बाग में देखा कि बारिश बहुत हुई थी अभी पिछले 15-20 दिन में, और मैंने उसको व्यवस्थित ढंग से करने के लिए क्या क्या कार्य किए हैं और क्या कार्य शेष है। और ये भी आपने जाना कि सर्दी की फसल लेने के लिए जो पौधे तैयार हैं उनमें इस समय क्या कार्य करने चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप भी ये कार्य अवश्य करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।